जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। इसके पहले हमने हिंदी के बहुत सारे चार विषयों पर हमने वीडियो बनाया है, वो आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, जिसमें आपकी वर्णमाला है, वर्तनी है, इस प्रकार की चार वीडियो हैं। आज का विषय है विराम चिन्ह। देखते हैं विराम चिन्ह किसको बोलते हैं, या एक हिंदी व्याकरण का एक विशिष्ट अध्याय है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। विराम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विराम का, विश्राम या ठहराव। लेखन कार्य में भाव अथवा विचारों में ठहराव के लिए हम विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे खेलो मत बैठो, खेलो मत बैठो, इस प्रकार विराम चिन्ह का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हमने अगर हम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा खेलो, मेरा पेन इसमें अच्छे से बन नहीं रहा है, इसे ऐसे खेलो खेलो मत बैठो, ये हो गया बैठो, खेलो मत बैठो। उसके बाद है खेलो मत बैठो, मतलब आप खेलते रहो, बैठने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है आपका खेलो मत बैठो। यहाँ पे देखिए शाब्दिक अर्थ कैसा है, खेलो मत बैठो, मतलब कहने का तात्पर्य ये है खेलते रहो, बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसी शब्द में यदि हम विराम चिन्ह अल्प विराम यदि हम किसी अन्य जगह इस स्थान पर लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, खेलो मत, मतलब खेलने के लिए मनाही है, बैठ जाओ। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। विराम चिन्हों की संख्या 20 है, ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। इसमें पूर्ण विराम को छोड़कर, इस पूर्ण विराम को छोड़कर सभी अंग्रेजी से लिया गया है। सभी जो विराम चिन्ह है पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, चाहे वो जो कुछ भी हो। अब देखते हैं आधुनिक हिंदी में प्रयोग होने वाले निम्न बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किस इस प्रकार से लगाया जाता है, ऐसा खड़ी लगे तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगता है, जैसे हमें खाना खाना चाहिए, ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है। दूसरा होता है उपविराम किस इस प्रकार से लगाया जाता है, शब्द सीमा या संवाद के लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए विज्ञान एक वरदान है, आपको विज्ञान के बारे में बताना है तो ये विज्ञान एक वरदान है। दीपक क्या दीप क्या कर रहे हो, जैसे हम कुछ संवाद करते हैं या शब्द की सीमा बताने के लिए हम इस उप विराम का उपयोग करते हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम क्या है, जब एक वाक्य का भाव दूसरे में पूर्ण हो तो हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। और अर्धविराम होता कैसे है, कुछ इस प्रकार से होता है अर्धविराम, ऐसे अल्पविराम और ऊपर एक बिंदी, तो वह मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा उसके पिताजी बोले हैं। अब बताइए वह एक मूर्ख व्यक्ति है, यह वाक्य अधूरा है, यह अधूरा भी है और इसे पूरा भी किया जा सकता है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि उसका उपवाक्य क्या है, ऐसा उसके पिताजी बोले हैं। अब देखते हैं अल्पविराम क्या होता है। अल्पविराम क्या होता है, थोड़ा समय के रुकने के लिए हम अल्पविराम का उपयोग करते हैं। हम इसमें बहुत सारे अल्पविराम को देखने वाले हैं, बहुत सारे अर्थ के अनुसार अल्पविराम कहाँ और कैसे यूज़ होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो अल्पविराम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इनका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इस चिन्ह का उपयोग निम्नलिखित बहुत सारे स्थान, जो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्थाने लिखे हैं ना, इसमें विभिन्न प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है, जो भी हम
देखेंगे कि किस प्रकार से किसका कैसा कैसा यूज़ होने वाला है। तो पहला है, जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद आएँ या समान शब्द आएँ, तो हम इस चीज़ तो उसको अलग करने के लिए, जब वाक्य में समान शब्द, दो से अधिक समान शब्द आएँ, तो उस चीज़ को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे राम सुंदर सुशील दयालु, तो सुंदर सुशील दयालु ये जो शब्द हैं ये एक समान शब्द है, इसलिए इसको अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ या फिर इसको हम कॉमा बोलते हैं, इसको हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। अगला है, ऐसे दो वाक्य के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित होता है, उसके लिए, जैसे रावण लंका का राजा है, रावण एक नाम है जो लंका का राजा है, इसमें क्या है, ऐसे दो वाक्य हैं जिसमें इनका जिनका भाव एक दूसरे में निहित है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ किए हैं, रावण लंका का राजा है, तो रावण के बाद अल्पविराम। तीसरा हमने लिखा है, तुम्हारा घर दूर है इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। अब इसको यहाँ कैसे लेंगे, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के बिना, इसमें ऐसा है, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द, इसलिए, किंतु, बल्कि, यदि ऐसा कुछ शब्द आए, तो हम उस इसलिए या किंतु के पहले एक कॉमा का उपयोग करते हैं। देखिए, विराम चिन्ह में समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा या फिर रटना होगा। इसी प्रकार है, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, शीला एक गिलास पानी लाओ, यह हो गया। दूसरा है, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, मोहन जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, ये हमारा देख, ये पहला है और ये दूसरा है, इसमें अंतर समझिए, मोहन जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। अब हम इस वहाँ के स्थान पर चाहे तो अल्प विराम यूज़ कर सकते हैं, मोहन जहाँ जाता है अल्प विराम बैठ जाता है। इस सेंटेंस में अल्प विराम कहीं नहीं है, लेकिन हम वहाँ की जगह अल्प विराम का उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है, अब जैसे कोई कथन के लिए, मुख्य कथन के लिए, अप्रत्यक्ष कथन के लिए हम इस शब्दों का, इन वाक्यों में हम अल्पविराम का उपयोग करें। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा है पानी की बचत की जाए, ये हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा कुछ ऐसे शब्द, वो कैसे शब्द हैं, हाँ नहीं बस शुरू से होने वाले, हाँ नहीं बस सचमुच अच्छा, इस प्रकार से कुछ शब्द शुरू होते हैं, इस प्रकार से कुछ वाक्य शुरू होते हैं, तो इन शब्दों के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, बस इतनी सी बात, या बोल सकते हैं हाँ मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, तो इस प्रकार, या फिर बोलते हैं सचमुच ऐसा हुआ था, तो इस सचमुच और ऐसा के बीच में हम अल्प विराम का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी वाक्य में प्रश्न का भाव हो, तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी तुम कहाँ, देखिए इसमें प्रश्नवाचक नहीं होगा, तुम अभी तक पढ़ रहे हो इसमें प्रश्न नहीं है, इसमें सिंपल एक नॉर्मल बातें हैं, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। आगे देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष घृणा शोक भय आश्चर्य प्रेम को के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसा है, जैसे किसी को बुलाते हैं, अरे तुम जल्दी आओ, तुम खुश रहो, इस प्रकार की विस्मयादिबोधक, जिसमें हम अपनी दिल की इच्छा उनके प्रति ये ब्लेसिंग बोलते हैं, ब्लेसिंग, उस प्रकार की चीज़ों के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब होता है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, यदि किसी एक बात को बताने के लिए, जैसे किसी को ऐसा
किसी विशेष बात को बताने के लिए, किसी विशेष शब्द को, विशेष वाक्य को बताने के लिए हम जो चिन्ह का उपयोग करते हैं उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे पुष की रात, यह एक पुस्तक की नाम है मुंशी प्रेमचंद की। क, यदि हम वर्णमाला में क को स्पेशल बताते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, राम ने कहा, जो राम ने जो कहा उसको हम स्पेशल बताने के लिए इस प्रकार उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। एक वर्ण के लिए हम सिंगल उद्धरण लगाते हैं, जबकि किसी वाक्य के लिए, किसी लंबी वाक्य के लिए हम डबल उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब आते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है देखते हैं। यह आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो विपरीत के समय होता है। विपरीत जैसे बोलना रहेगा आपको लाभ हानि, रात दिन, दो खंडों का जो जैसी प्रधान होता है, यदि दोनों शब्द प्रधान है, जैसे मैं हमारे द्वंद समास में लिखते हैं दाल रोटी, लाभ हानि, दाल रोटी, तन मन धन, संयुक्त क्रियाएं होती हैं, पढ़ना लिखना, कारक स्थान के पद के लिए रावण वध, रावण का वध, रावण वध, सासी से पहले लिखते हैं चांद स सफ़ेद या चांदी स सफ़ेद, इस प्रकार के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं किन्हीं दो समान पदों के लिए। ऐसे देखिए इस पर भी समान पद रहेंगे, इस पर भी समान पद और इस पर भी समान पद के लिए हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह बात करने के लिए, यदि कुछ संवाद होती है तो उसके लिए निर्देशक चिन्ह होती है। जैसे मीरा, तुम मेरे साथ चलोगी, ये मीरा है, मीरा तुम मेरे साथ चलोगी। शीला, सॉरी यहाँ पे मीरा बोल रही है तो यहाँ कुछ और नाम ले लेते हैं, कुछ और नाम ले लेते हैं, जैसे ए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जब हम संवाद पढ़ते हैं, जब क्लास में पढ़ते थे 10th 12th के, जब हिंदी की बुक में पढ़ते थे तो इस प्रकार का जो संवाद वाला पाठ रहता था उसमें इस प्रकार दिखाया जाता था। संवाद के लिए जब बोलने के पहले एक हाइफन बोलते हैं इसको, और इसे निर्देशांक चिन्ह बोलते हैं। अलते बोलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, किसी शब्द को लिखने या फिर उसके विवरण को बताने के लिए हम विवरण चिन्ह लिखते हैं। जैसे इस प्रकार हिंदी में लिखते हैं, यदि किसी शब्द का बताना है तो निम्नानुसार लिख के ऐसे डॉट लगा के करते हैं, ये निम्नानुसार है, ये विवरण है। बाकी एक क्वेश्चन चिन्ह आपको पता है, त्रुटिबोधक चिन्ह। आगे देखते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह क्या होता है। त्रुटिबोधक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। त्रुटिबोधक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे थे, मैं पिताजी के साथ गया, लेकिन आप लिखने चाहते थे बाजार के, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, लेकिन आपने लिख लिया कि मैं पिताजी के साथ गया, कहाँ गया ये बताना भूल गए या उस समय लिखना भूल गए, तो कुछ नहीं, इन दोनों वर्णों के बीच किसी इस प्रकार का वर्ण बनाइए, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस, तो पढ़ने वाला ये समझेगा कि मैं पिताजी के साथ बाजार गया, तो ये है त्रुटिबोधक चिन्ह। इसको हम ऊपर में भी ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि नीचे में, नीचे में बल्कि इसके बाद में विवरण लिख सकते हैं। अब होता है संकेत चिन्ह या लाघव चिन्ह। इसको हम संकेत चिन्ह बोलते हैं, लाघव चिन्ह, किसी बड़े नाम को छोटे लिखने के लिए हम संकेत चिन्ह के, जैसे उत्तर प्रदेश, ऊप्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार किसी बड़े वर्ड को लिखने के, जैसे हम छत्तीसगढ़ लिखते हैं तो छ ग लिखते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ के लिए हम छ ग उपयोग का चिन्ह करते हैं। अगला है आपका लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के छोड़े गए अंश के लिए गोपनीय या अश्लील शब्द को छुपाने, जैसे बीप, अश्लील शब्द होते हैं जिसको बीप करके लिखा जाता है, डॉट डॉट लिख दिया जाता है, बीप का तो एक साउंड होता है डॉट डॉट, इस प्रकार के अश्लील शब्द है, गोपनीय है, या किसी बात को नहीं कहने के लिए या फिर किसी की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए जो वो चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसको लोप चिन्ह कहते हैं। ये लोप चिन्ह है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार लोप चिन्ह। जैसे यहाँ उदाहरण समझिए, सीमा ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, किंतु सोचती हूँ कि कहीं तुम भी छोड़ो, जाने दो, इस प्रकार का यदि मन का भाव होता है, जैसे आप किसी को पूछे कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ किंतु सोचते हो कि तुम भी कहीं, तुम्हारे मन में कुछ है लेकिन तुम बता नहीं, उसकी जिज्ञासा बढ़ा रहे हो, इसलिए इस डॉट डॉट का उपयोग हो रहा है।
छोड़ो, जाने दो। तो ये आप समझ गए लोप चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, या कुछ अश्लील बातें होती है या अश्लील शब्द होते हैं उसको छुपाने के लिए से डॉट डॉट का उपयोग किया जा सकता है। तो उसके बाद होता है दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्ह क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। दीर्घ चिन्ह, जैसे हम किसी को पुकार के तो हमारी आवाज़ बहुत लंबी, जैसे मोहन इस प्रकार पुकारेंगे, मोहन करके इस प्रकार पुकारेंगे। तो दीर्घ चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मोहन मोहन ऐसे, ये आपका दीर्घ चिन्ह होता है। फिर से देखिए क्या चीज़ है, जैसे आप मोहन को बुला रहे हैं तो मो ह इस प्रकार। जब किसी चीज़ को लंबी तरह से खींचा जाता है उस वर्ड को पूरे बोले बिना, तो उसको हम दीर्घ चिन्ह कहते हैं, ये दीर्घ चिन्ह है। पुनरुक्ति चिन्ह, जब दोबारा किसी वर्ड को एक ही साथ साथ लिखना रहता है तो उसको हम पुनरुक्ति चिन्ह करते हैं। जैसे उसका उपयोग ऐसे होता है, इसको हम इंग्लिश में डू भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको डू भी बोलते हैं। इस प्रकार हम लिखते हैं ऐसा करके लिख देते हैं। जैसे आम मीठा है, फिर यह डू लिखे आम फल है। इस डू का मतलब जो ऊपर में जो लिखा है वही नीचे में आ जाता है, डू का अर्थ ये होता है। अब अथवा का चिन्ह आपको पता है, अथवा चिन्ह क्या है, मैदान में गाय या घोड़े स्लैश, अथवा के लिए हम स्लैश का उपयोग करते हैं, इसको हम अथवा चिन्ह कहते हैं। स्लैश गांव मैदान में गाय या फिर घोड़े खड़े, हम इसके जगह या भी लिख सकते थे, लेकिन हम चिन्ह के माध्यम से बताना चाहते हैं तो हम इस स्लैश का उपयोग करेंगे। समाप्ति सूचक, जब किसी पैराग्राफ किसी पाठ की समाप्ति होती है, जैसे आप बुक में देखे होंगे, तो इस प्रकार की सूचक बन जाती है। इसका मतलब है कि अब समाप्त हो चुका है वह पाठ, वह विवरण, वह विषय, वो पूरा खत्म हो चुका है, अब उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट चिन्ह थे, विराम चिन्ह थे, उसको आज हमने इस वीडियो में देखा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आने वाले जेस संपरीक्षक के एग्ज़ाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाले हैं हिंदी से। तो यह वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।